Dear students, hello. Welcome once again on our online classes. तो आज का हमारा टॉपिक है बोल्टेड कनेक्शन एंड वेल्डेड कनेक्शन. तो लास्ट टाइम हमने रिवेटेड कनेक्शन के बारे में पढ़ा था कि दे आर ऑफ ए परमानेंट नेचर, डिफरेंट टाइप्स. तो आज हम पढ़ रहे हैं बोल्टेड कनेक्शन. तो जैसे हम दो पीसीस को, स्ट्रक्चरल मेंबर्स को जोड़ने के लिए हम रिवेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हम दो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए बोल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. आज के दिन दीज बोल्टेड कनेक्शंस आर बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर बिकॉज इनकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी खासियत यह है कि दे कैन बी ओपन और दे कैन बी अनफास्टेंड विदाउट ब्रेकिंग देम. जैसे कि रिविट को अगर हमें खोलने के लिए उनको ब्रेक करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर में ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो आज के दिन वी हैव गॉट अ वेरी हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ लोड. तो आज के दिन जितने भी प्लेट गर्डर्स, स्टील स्ट्रक्चर, जितने भी आजकल हम इरेक्ट कर रहे हैं, उन सभी के अंदर आज के दिन हम बोल्टेड कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं. तो उनको बनाने के लिए हमें बोल्ट की जरूरत पड़ती है. जैसे आपको दिखाया गया है कि बोल्ट, इट इज ए स्टील पीस जो कि इट हैज गॉट सर्टेन कार्बन कंपोनेंट, तो इट इज एन अलॉय. तो जैसे एक रिविट होता है, इसी तरह से इसके भी पार्ट्स हैं. ये इसका हेड है, ये इसका शैंक है, ये इसका टेल है जिसमें थ्रेड्स बने हुए हैं, ये नट लगाया हुआ है. इसके अंदर वॉशर का भी हम इस्तेमाल करते हैं. वॉशर जो होता है, इट इज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यहाँ पर वॉशर भी लगा देते हैं. इसलिए कई तरह के बोल्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं. तो कौन कौन से टाइप के बोल्ट होते हैं हमारे पास, जैसे इसमें लिखा है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बोल्ट, अनफिनिश बोल्ट, टर्न बोल्ट, रिब्ड बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट. तो अनफिनिश बोल्ट्स आर द ऑर्डिनरी बोल्ट जो कि हम आमतौर पर पर्लिंस, राफ्टर उनको जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. दे हैव गॉट लेस स्ट्रेंथ, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है और कम यूज होते हैं, दे आर अनफिनिश्ड. दूसरा टर्न बोल्ट. तो टर्न बोल्ट जैसे कि जस्ट लाइक अनफिनिश्ड बोल्ट, लेकिन इसके अंदर जो उसका हेड होता है और हेड के बाद जो शैंक होता है, द शैंक इज मेड अप ऑफ ए हेक्सागोनल रॉड. तो इस तरह के जो बोल्ट्स हैं, दे आर आल्सो नॉट प्रेफर्ड दीज डेज. थर्ड टाइप है रिब्ड बोल्ट. जो रिब्ड बोल्ट होते हैं, इनका जो हेड होता है, इट इज जस्ट लाइक ए रिविट. और उसके बाद जो इसका जो शैंक होता है, शैंक के अंदर ऊपर वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर रिब्स बने होते हैं. रिब्स जैसे जो सरिया होता है ना, सरिया स्टील, उसके अंदर रिब्स बने होते हैं. तो इस तरह यहाँ पर रिब्स बने होते हैं. तो इस रिब्स का जो डायमीटर होता है, इट इज जस्ट ग्रेटर देन द डाई ऑफ द होल. तो उसको हम होल के अंदर फिक्स कर देते हैं, तो ये जैसे उसमें बिल्कुल टाइट हो जाता है. और इसकी वजह से जो इस तरह के जो रिब्स बोल्ट्स हैं, दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग सर्टेन वाइब्रेशंस आल्सो. एंड द फोर्थ वन इज हाई स्ट्रेंथ बोल्ट. तो जिनका कि हम आमतौर पर हर जगह पर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर वेरी हाई स्ट्रेंथ, ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर. और ये जो बोल्ट्स हैं हमारे, दे कैन ट्रांसफर लोड थ्रू फ्रिक्शन एंड दे डू नॉट फेल इन द शियर इवन. और इसके अलावा दे प्रोवाइड अस द रिजिड ज्वाइंट. और इसके अंदर जो ये हमारे जो ये हाई स्ट्रेंथ बोल्ट हैं, दे डायमीटर रेंजेस फ्रॉम 16 mm टू 36 mm. And they are designated as M16, M20, M24, M30, M34, M36. तो इस तरह से इनको हम डेजिग्नेट करते हैं. तो बोल्ट जो है हमारे पास, हम आज के दिन वी आर रिप्लेसिंग रिवेट्स विद बोल्ट. तो इसके बाद बोल्ट के अंदर भी दो तरह के ज्वाइंट्स हम बनाते हैं, लैप ज्वाइंट एंड बट ज्वाइंट. तो जैसे लैप दिखाया गया है, दो प्लेट्स लैप्स में रखी हुई हैं, उनको जोड़ने के लिए ज्वाइंट लगा दिया. उसी तरीके से सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, उसी तरह से बट ज्वाइंट, दो प्लेट्स प्लेसिंग फेस टू फेस और उसके ऊपर हमने एक प्लेट लगा रखी है. तुम कह सकते हैं सिंगल प्लेट बट ज्वाइंट, सिंगल प्लेट बोल्टेड बट ज्वाइंट. नीचे एक प्लेट और लगाते हैं, डबल प्लेट बोल्टेड बट ज्वाइंट. जैसे दिखाया गया, एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इसके बैक में होगी, इट विल बिकम डबल प्लेट बोल्टेड बट ज्वाइंट. तो उसी तरीके से जैसे रिवेटेड ज्वाइंट होते हैं, इसी तरह से हम बट ज्वाइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. रिवेट में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बोल्ट में भी कर सकते हैं. तो स्पेसिफिकेशंस हैं बोल्टेड ज्वाइंट्स की.
जो बोर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आईएएस कोड ने कुछ स्पेसिफिकेशंस बताई है कि भाई उसके अंदर बोर्ड का डायमीटर कितना होना चाहिए, उनकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, एज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, टैकिंग बोल्ट भी प्रोवाइड करने हैं जैसे हम टैकिंग रिवेट इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह से अलग अलग टाइप के इसके अंदर ये इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अंदर कंडीशंस बताई गई हैं कि भी जो मिनिमम स्पेसिंग है 2.5 टाइम से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पेसिंग 32 टी और 300 mm फॉर लैप ज्वाइंट, 16 टी और 200 mm फॉर बट ज्वाइंट, द टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। इस तरह एज मार्जिन कितना होना चाहिए 1.7 डी फॉर शियर्ड होल एंड 1.5 डी फॉर द मशीन कट होल। इसी तरह से दोनों जो ये क्या नाम है पूरा का पूरा हमारा जो क्या नाम मेंबर है स्ट्रक्चरल मेंबर है ये टाइप से यूनिट सिंगल यूनिट में काम करे, तो इसलिए 32 टी और 300 mm मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर हम टैकिंग बोल्ट भी लगाते हैं जैसे रिवेट लगाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वेल्डेड कनेक्शन। आज के दिन वेल्डेड कनेक्शंस आर द मोस्ट प्रेफर्ड कनेक्शंस, क्योंकि जो वेल्डेड कनेक्शंस होते हैं उसके अंदर इसकी स्ट्रेंथ जो है जॉइंट की इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए सॉलिड प्लेट, क्योंकि जो वेल्ड बोल्ट बोल्ट कनेक्शन होता है बोल्ट कनेक्शन में भी हमें होल बनाने पड़ते हैं तो इसलिए उसमें भी क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कम हो जाता है, लेकिन वेल्डेड कनेक्शन में हमें कोई होल नहीं बनाने पड़ते, वी जस्ट जॉइन द टू पीसीज, उनका एरिया सेम रहता है तो इसीलिए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा होती है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए सॉलिड प्लेट। तो वेल्डेड का मतलब ये है व्हेन वी आर जॉइनिंग टू पीस टू स्ट्रक्चरल मेंबर्स विद द हेल्प ऑफ ए वेल्ड, तो दैट इज कॉल्ड वेल्डेड जॉइंट या वेल्ड कनेक्शन। तो किसी तरह का भी मेटल हो हमारा माइल्ड स्टील कास्ट आयरन एल्यूमिनियम ब्रास कॉपर इवन प्लास्टिक सभी के अंदर ही हम विद प्रेशर और विदाउट प्रेशर वी कैन जॉइन देम, देयर इज नो लॉस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और किसी तरह का भी लोड हो एक्सियल लोड टेंसाइल एक्सियल लोड कंप्रेसिव एक्सियल लोड शियर लोड मूवमेंट हर तरह के लोड को ट्रांसफर करने के लिए वेल्ड कनेक्शंस आर द परफेक्ट कनेक्शंस। वेल्ड कनेक्शन के अंदर उसी तरह से वेल्ड करने के लिए हम कई तरह से वेल्ड कर सकते हैं, तो सबसे जो उसमें मैक्सिमम जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं। आर्क इसके अंदर आर्क जो बनती है ये आर्क है इसके अंदर और इस आर्क का जो टेम्परेचर होता है 36,000 डिग्री सेल्सियस 3600 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर होता है, इट मीन्स जहां पर भी इसको कंप्रेस करते हैं इसको पीस को मेल्ट कर देती है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होती है वो इलेक्ट्रोड उसको ये इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होती है साथ में, तो जो दो पीस उनके बीच में ये इसको भर देती है। कुछ टाइम पर जब वो ठंडा हो जाता है इट सॉलिडिफाइज एंड इट बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक ए सॉलिड पीस। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेल्डिंग, सबसे ज्यादा इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कई बार छोटे पीसीस की छोटी वेल्ड करना होता है जहां पर हमें ज्यादा ताकत नहीं चाहिए तो वहां पर हम गैस वेल्डिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो गैस वेल्डिंग जो है वो उसके अंदर दो गैस ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन उन दोनों को मिक्स करके गैस बन जाती है ऑक्सी एसिटिलीन गैस। ऑक्सी एसिटिलीन गैस के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है तो जब वो जहां पर भी इसको हमें मेटल को वेल्ड करना हो वहां पर या जैसे दिखाया गया आर्क बनती है दोनों पीसीज उसके नीचे ले आते हैं और वहां पर फिर एक इलेक्ट्रोड की मदद से को उनको हम जोड़ देते हैं। तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस करने के लिए गर्म करने के लिए मेल्ट करने के लिए हम गैस का इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसको गैस वेल्डिंग बोलते हैं। थर्ड टाइप है हमारी फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग के अंदर हम प्रेशर से वेल्ड करते हैं बाई यूजिंग सम प्रेशर। दो पीसीज को ज्वाइन करना है उनको हम हीट करके और प्रेशर से उन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो जो क्योंकि जो मेल्टेड पीसीज मेल्टेड पोर्शन है हीट करने से वो आपस में एक पीस बन जाते हैं तो इसलिए दिस इज कॉल्ड फोर्ज वेल्डिंग विद प्रेशर। और फ्यूजन वेल्डिंग इसके अंदर देयर इज नो प्रेशर, हम कोई प्रेशर इस्तेमाल नहीं करते दोनों एंड्स को मेल्ट करते हैं और एक थर्ड मेटल से तीसरे टाइप के मेटल से कोई अनदर मेटल से उनको हम जोड़ देते हैं, इसलिए इसलिए उसमें अलग अलग मेटल का इस्तेमाल किया है तो इसलिए इसका नाम इसको बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। तो जो एडवांटेजेस जो वेल्डिंग जो है हमने इस्तेमाल की है वेल्डेड जॉइंट इस्तेमाल किया है इसके क्या एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू द रिवेटेड जॉइंट्स, तो क्योंकि जो ये
हम बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इसके इसकी वजह से भी है कि इट हैज गॉट वेरी लॉट ऑफ एडवांटेज। जैसे 100% परमानेंट जॉइंट है, 100% स्ट्रेंथ है, लीक प्रूफ है, क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई बदलाव नहीं आता, हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी है, लाइट सेक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइटर असेंबली है, किसी भी शेप को जोड़ सकते हैं, कोई नया पीस जोड़ सकते हैं, बाद में अल्टरेशंस कर सकते हैं, और कोई नया पीस जोड़ना वो हम जोड़ सकते हैं। इवन प्लास्टिक्स कैन बी एडिट, कैन बी ज्वाइंट बाई यूजिंग दिस मेथड। और इसकी जो सरफेस है वेरी स्मूथ होती है, इट हैज गॉट नो नॉइज वाइल मेकिंग दिस ज्वाइंट, क्योंकि इसके अंदर हैमरिंग नहीं करनी पड़ती बहुत, इसके अंदर तो इसमें कोई आवाज नहीं आती, बहुत स्मूथ सरफेस होती है। तो इस तरह से इट हैज गॉट ए न्यूमरस एडवांटेज, बहुत ज्यादा एडवांटेजेज हैं। तो इसलिए वी प्रेफर वेल्डेड ज्वाइंट्स एज कंपेयर टू रिवेटेड ज्वाइंट। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं इसके। नुकसान का मतलब यह है कि इसके अंदर वी आर नॉट इन ए गुड पोजिशन। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि इसके अंदर जो मेटल जिनको हम जोड़ रहे हैं उसकी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। दूसरा, इसके अंदर जो होता है हीट अफेक्टेड जोन बन जाता है, एच ए जेड, प्रेजेंस ऑफ हीट अफेक्टेड जोन। हम जहाँ पर मेटल को वेल्ड कर रहे हैं जो पोर्शन मेल्ट होता है उसके साइड में एक लेयर और बन जाती है, तो वो दैट इज लेयर इज कॉल्ड हीट अफेक्टेड जोन। तो उस जोन के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बदल जाती है, इसलिए इसके अंदर जो है उसकी वहां पर उस पोर्शन में उसकी जो है प्रॉपर्टीज बदलने से उसकी स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता है। सो इट थर्ड इज इट प्रोड्यूसेस रेजिडुअल स्ट्रेसेस रह जाती है इसके अंदर वेल्ड करने की वजह से। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो पीसीज हम ज्वाइन कर रहे हैं कई बार हीट होने की वजह से उसमें डिस्टोर्शन आ जाती है, मोड़ आ जाता है, बेंड आ जाता है, उसको डिस्टोर्शन बोलते हैं। तो कई बार उसके अंदर जो पीसीज है उसकी शेप ही बदल जाती है। और इसके अंदर सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो वेल्डेड ज्वाइंट्स हैं दे आर नॉट गुड अंडर वाइब्रेशन। यहाँ पर वाइब्रेशन होती है, अगर वहां पर अगर हम इस तरह के जोर को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको चेक करना कि जो ज्वाइंट हमारा लगा है वो बिल्कुल परफेक्ट लगा या नहीं है, उसकी जो इंस्पेक्शन जो होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। हम ये नेक्ड आई से ये नहीं देख पाते कि जो ज्वाइंट हमारा लगा है वेल्ड हुआ है वेदर इट इज ए परफेक्ट वेल्ड और नॉट। तो उसके लिए हमें बहुत सारे अलग अलग मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं चेक करने के लिए कि भाई ये ज्वाइंट हमारा परफेक्ट है या नहीं है। तो इसलिए इसका जो इंस्पेक्शन है बहुत डिफिकल्ट है। इंस्पेक्शन करने के लिए हम इसमें पहले लोड अप्लाई करते हैं। अगर लोड अगर मान लिया आपने ज्वाइंट हमारा परफेक्ट नहीं हुआ, आपने लोड लगा दिया तो एकदम से ब्रिटल फेलियर हो जाता है। इसलिए इसका जो इंस्पेक्शन है वो बहुत जरूरी है लोड डालने से पहले, और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। सो दीज आर वेरियस डिसएडवांटेज। तो अब उसकी हम बात करते हैं कि जो वेल्ड है इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो क्लासीफाई करने के लिए हमने इसको दो तरीके से इसको क्लासीफाई किया है। तो इट इज बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द वेल्ड एंड इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द वेल्ड। तो जो हमारा पहला जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, मतलब इट इज बेस्ड ऑन द पोजीशन। जैसे दिखाया गया इसके अंदर, जैसे फ्लैट वेल्ड, ये फ्लैट है, ये हॉरिजेंटल वेल्ड है, ये वर्टिकल वेल्ड है, ये फोर्थ टाइप है। तो इस तरीके से ये हमने इसको पोजीशन के हिसाब से भी कहाँ पर वेल्ड किया है, हॉरिजेंटल वर्टिकल इंक्लाइन कौन सी पोजीशन है। और उसके अलावा भी दो तरीके से और हमने इसको इंक्लाइन इसको क्लासिफाई किया है पोजीशन के हिसाब से। जैसे प्लग कर दिया हमने तो इसको प्लग वेल्ड बोल दिया, इसके अंदर से वेल्ड कर दिया तो इसको हमने बोल दिया स्लॉट वेल्ड। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल में भी पढ़ेंगे प्लग वेल्ड क्या होता है, स्लॉट वेल्ड क्या होता है। तो हमारा दूसरा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्ड है इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द वेल्ड। वेल्ड की फॉर्मेशन कैसी है, तो इसको हमने मोटे तौर पर दो तरह से क्लासिफाई किया, एक बट वेल्ड एक फिलेट वेल्ड। बट वेल्ड का मतलब जैसे आप देख रहे हैं व्हेन वी आर जॉइनिंग टू पीसीज फ्रॉम फेस टू फेस, दोनों फेस से मिला दिया आपने तो उसको इसको हमने ये बट वेल्ड बोल दिया, इट इज ए बट वेल्ड फ्रॉम फेस टू फेस। तो जो मैटर ये बट वेल्ड जो है बाई यूजिंग दिस वेल्ड जो हमारा मेंबर है इट कैन कैरी एनी टाइप ऑफ लोड, कंप्रेशन टेंशन इसी तरह का लोड वो उस पर लग सकता है। तो हमने इसको अलग अलग नाम से क्लासीफाई किया है बट वेल्ड को भी,
जैसे ये स्कीयर शेप बन जाती है इसकी वेल्ड की, तो इसको स्कीयर वेट वेल्ड बोल दिया। ये अगर हमारी वी शेप बन गई तो वी वी बट वी वेल्ड बोल दिया, और ये यू शेप बन गई तो यू शेप वेल्ड बोल दिया। जैसे शेप है ऐसे इसका नाम है, ये सिंगल बी वेल्ड बन गया तो सिंगल बी वेल्ड बट वेल्ड। तो इसमें सबसे तो ध्यान देने वाली बात सिर्फ यही है कि इसके अंदर जो ये इसको बोलते सिंगल वी, सिंगल यू, सिंगल बी वेल्ड, और इनको बोलते हैं डबल वी, डबल यू, डबल बी वेल्ड। तो इसमें सिंगल डबल का मतलब यह है कि इसके अंदर जो पेनिट्रेशन है वेल्ड का वो पूरा नीचे तक है, फुल पेनिट्रेशन, फुल पेनिट्रेशन। लेकिन इसके अंदर जो पेनिट्रेशन वो पूरा नीचे तक नहीं होता पूरी प्लेट के अंदर, तो इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल पेनिट्रेशन और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। आगे हम इनका इस्तेमाल करेंगे इनकम्प्लीट और कम्प्लीट, तो डिफरेंट आपको डिफरेंस आपको पता लगेगा इनकम्प्लीट कम्प्लीट में क्या डिफरेंस होता है। फुल पेनिट्रेशन, अब आप उसे यहाँ पर यहां तक इतना ध्यान देना है कि दीज वॉल वेल्स आर फुल पेनिट्रेशन, डबल यू, डबल वी, डबल बी वेल, और ये पार्शियल पेनिट्रेशन सिंगल वी, सिंगल यू, सिंगल बी वेल। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है फिलेट वेल्ड। तो जैसे आपको बताया गया फिलेट वेल्ड व्हेन टू मेंबर्स आर ओवरलैप एंड आर जॉइंड बाय वेल्डिंग इज कॉल्ड फिलेट वेल्ड। एक दूसरे ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप के अंदर इसके अंदर ये ओवरलैप पर रखा है यहाँ पर, तो इसको टी वेल्ड बोल देते हैं, इसको इसको लैप वेल्ड बोल देते हैं, लैप, इसको टी, ये टी शेप में है, ये लैप शेप में है। लेकिन जो वेल्ड बनेगा हमारा इसके अंदर यहाँ पर वेल्ड लगाएंगे हम, इसको जो वेल्ड होगा दिस विल बी कॉल्ड फिलेट वेल्ड, ये फिलेट वेल्ड बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर जो फिलेट वेल्ड की सबसे खासियत यह है कि इट शेप इज जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप में वेल्ड होता है, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से ये ट्रायंगल शेप में वेल्ड। तो अब हम बात करते हैं कि भाई इसके अंदर जो ये आपने बट वेल्ड इस्तेमाल किया, तो बट वेल्ड के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जैसे दिखा रखा है बट वेल्ड, तो इसका जो साइज क्या होता है बट वेल्ड का और इसकी थ्रोट थिकनेस कितनी, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके अंदर। जो बट वेल्ड का जो साइज होता है इट इज इक्वल टू द थ्रोट थिकनेस, साइज ऑफ द बट वेल्ड इज इक्वल टू साइज ऑफ द थ्रोट थिकनेस। इसकी थ्रोट थिकनेस कैसे निकालते हैं, इसकी थ्रोट थिकनेस जो है डिपेंड्स ऑन द वेल्ड, कौन सा वेल्ड आपने किया है, सिंगल यू, सिंगल वी, सिंगल बी वेल, या रेक्टेंगुलर, या डबल यू, डबल वी, डबल बी वेल। तो अगर हमारे पास जैसे अगर ये फुल पेनिट्रेशन हो, डबल यू वी बी वेल हो, तो उसकी जो थ्रोट थिकनेस होगी स्मॉल टी, इट विल बी इक्वल टू द थिनर थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, जो उसमें जो प्लेट जो दोनों ज्वाइन की है जितनी भी उसकी थिकनेस है दैट विल बी टेकन एज इट्स थ्रोट थिकनेस स्मॉल टी। लेकिन अगर हमारा पेनिट्रेशन अगर पार्शियल पेनिट्रेशन हो, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो, सिंगल यू वी बी वेल, तो उसमें इट विल बी टेकन एज 5/8। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आई है बस। इसके अंदर जो थ्रोट थिकनेस लेनी है, आगे न्यूमेरिकल्स में इसका इस्तेमाल होगा, उसमें देखा होगा कि जो हमारा जो थिकनेस है थ्रोट थिकनेस कितनी होगी वो हमें निकालनी पड़ेगी, तो उससे सिर्फ इससे पता लगेगा हमने जो ज्वाइंट हमारा फुली पेनिट्रेटेड है या पार्शियली पेनिट्रेटेड है, तो उसके हिसाब से थ्रोट थिकनेस निकालेंगे थिकनेस ऑफ द प्लेट के साथ। नेक्स्ट, इसका स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना बहुत सिंपल सा फार्मूला है, एरिया गुणा में, एरिया गुणा में स्ट्रेस, स्ट्रेस है ये एरिया है। जैसे आपने वेल्ड निकाला, वेल्ड की कितनी लेंथ है और वेल्ड का ये कहना है थ्रोट थिकनेस कितनी है, इसे गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये लेंथ एरिया ऑफ द वेल्ड आ जाएगा, और उसे गुणा कर देंगे स्ट्रेस से। तो स्ट्रेस निकालने के लिए हमारे पास इसके अंदर हमने क्या किया है, एफ वाई को डिवाइड कर दिया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, मतलब ये हमने वेल्ड जो इसकी स्ट्रेस थी उसको रिड्यूस कर दिया एफ वाई, जो एफ वाई है हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड होती है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड और पेरेंट मेटल व्हिच एवरेज लेस, जो स्मॉल होगी वो ले लेंगे एफ वाई, आमतौर पर एफ वाई 250 लिखते हैं, बेस मेटल का, माइल्ड स्टील का, और गामा एम डब्ल्यू जो है ये गामा एम डब्ल्यू ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, 1.25 फॉर शॉप, 1.5 फॉर फील्ड वेल्डिंग। आपको पता है शॉप में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, फील्ड में थोड़ी सी कम हो जाती है, तो यहाँ पर कंडीशन ज्यादा बेटर है, यहाँ पर ज्यादा बेटर कंडीशन नहीं होती। तो इस तरीके से सिंपल सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप याद करिए, एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एल डब्ल्यू इंटू में टी ई, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो आपने पीछे कैलकुलेट की। तो अभी हमने फिलेट वेल्ड के बारे में पढ़ा था, तो फिलेट वेल्ड भी अलग अलग हम उसको
डेजिग्नेट करते हैं लैप वेल्ड को, भाई अगर साइड वेल्ड, इसको साइड फिलेट वेल्ड कब बोलते हैं, जब जो ये वेल्ड है हमारा लेंथ ऑफ द वेल्ड, ये वेल्ड की है व्हेन इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड, जैसे इसमें लोड लगाया, अगर ये इसकी पैरेलल है, इसके पैरेलल है लोड के, तो इसको बोलेंगे साइड फिलेट वेल्ड. व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड, व्हेन द वेल्ड इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड, ये लोड है, ये परपेंडिकुलर है इसके लेंथ ऑफ द वेल्ड, इट विल बी कॉल्ड एंड फिलेट वेल्ड. और अगर हमारा जो ये वेल्ड जो लेंथ ऑफ द वेल्ड है, इट इज नॉट परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल दिखाया गया जैसे, तो इस तरह के वेल्ड को हम बोलते हैं डायगोनल फिलेट वेल्ड. तो इसके अंदर भी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आमतौर पर, क्योंकि हम बट वेल्ड कम करते हैं, मैक्सिमम हमारा वेल्ड होता है फिलेट वेल्ड, तो इसलिए फिलेट वेल्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि भाई साइज ऑफ द वेल्ड क्या होता है इस तरह से. तो जैसे हम ये वेल्ड करेंगे, ये दो पीसीज हैं, इनको वेल्ड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेल्ड बनता है हमारा, इट इज जस्ट लाइक अ ट्रायंगुलर शेप, ये थोड़ा ये दोनों इसके अंदर ये बेस मेटल के अंदर ये पेनिट्रेट कर गया दोनों तरफ से, ये थोड़ा इसके अंदर ये रेनफोर्समेंट है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको हम, तो ये एक ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो जो दो साइड्स होती हैं इस ट्रायंगल की, ये दोनों साइड्स हैं, इसको एस से नोट करते हैं, इक्वल साइड्स हैं. तो इस साइड की जो लेंथ है, ये साइज लिखा है, तो दिस साइज इज कॉल्ड साइज ऑफ द वेल्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस. तो इसकी जो साइज ऑफ द वेल्ड है, ये अलग अलग थिकनेस पे डिपेंड करता है कि जो हम जो प्लेट जिनको हम ज्वाइन करना है हमें हमें उसके अंदर उसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा कि भाई जो साइज ऑफ द वेल्ड कितना रखा जाए, तो उसकी लिमिटेशन है, मैक्सिमम कितना हो सकता है साइज ऑफ द वेल्ड, और ये मिनिमम कितना हो सकता है. तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द थिकनेस ऑफ द प्लेट, जिस प्लेट को हमें जोड़ना है, जो प्लेट हमारी है ना, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है, ये इस प्लेट की थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस पर डिपेंड करेगा. तो जैसे आपको दिखाया गया है कि जैसी जो मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड है कितना होना चाहिए, जैसे मैंने दिखाया है कि अगर 10 mm तक की हमारी प्लेट है, तो कम से कम भी 3 mm हमारा साइज ऑफ द वेल्ड होना चाहिए, 10 से 20 है तो 5, 20 से 35 है तो 6, और 32 से 50 तक है तो उसको फिर हम दो लेयर्स में करेंगे, वेल्ड होगा हमारा एक लेयर में नहीं होगा, पहले 8 mm का करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर चिपिंग करने के बाद इसको फिर दूसरा एक और वेल्ड करेंगे, फिर 10 mm तक करेंगे, तो उसके 10 mm तक हम उसका साइज रखेंगे. इट डिपेंडेंट ऑन द थिकनेस ऑफ द प्लेट, तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम फिर वो हम उसको थिकनेस के हिसाब से चेक करेंगे. इस तरह मैक्सिमम साइज, तो अगर मैक्सिमम साइज हम कितना रख सकते हैं वेल्ड का, तो अगर हमारी जो प्लेट जो है, इट इज मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड इज ऑफ सब्सट्रेट 1.5 mm फ्रॉम द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर टू द जॉइंट. अगर हमारा जो मेंबर है फ्लैट है, सीधा फ्लैट अगर मेंबर है, तो उसके अंदर से जो उसकी थिकनेस है उसमें 1.5 mm बैठा देंगे, तो दैट विल गिव यू द मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड, उससे ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए. और अगर हमारी जो सरफेस अगर राउंडेड है, जैसे एंगल होते हैं, एंगल के जो कॉर्नर है वो राउंड होते हैं, तो राउंड के अंदर अगर हमें मैक्सिमम साइज निकालना है, तो इट विल बी टेकन एज 3/4 इनटू द थिकनेस ऑफ द सेक्शन 2. जैसे मान लिया अगर हमारा अगर 6 mm का सेक्शन है या 8 mm का सेक्शन है, तो 3/4 गुणा में 8, 4 × 8, 3 × 6 हो गया, तो हमारा मैक्सिमम साइज 6 mm होगा. इस तरीके से वी कैन डिसाइड द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइन करते वक्त हम इन टेबल्स का इस्तेमाल करके जब हम वेल्ड का साइज निकालेंगे भी कितना साइज ऑफ द वेल्ड होना चाहिए, तो फिर हम इन दोनों लिमिट्स का इस्तेमाल करते हुए मिनिमम कितना हुआ, मैक्सिमम कितना हुआ, इस टेबल के हिसाब से हम उसका साइज ऑफ द वेल्ड डिसाइड करेंगे. मिनिमम कितना रखेंगे, फिर दोनों के बीच में से मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में से वी कैन डिसाइड वन साइज. मिनिमम से ज्यादा, मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कोई एक साइज हम सेलेक्ट कर लेते हैं. अब इसके अंदर ये बात आती है हमारी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस. जो थ्रोट थिकनेस जो हमारे सभी न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें हर जगह पर हम थ्रोट थिकनेस, कितनी थ्रोट थिकनेस होनी चाहिए, ये इस्तेमाल होती है, साइज ऑफ द वेल्ड इस्तेमाल नहीं होता है. तो जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो हम तुरंत उसको साइज ऑफ द वेल्ड को तुरंत हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितनी होगी. तो जैसे दिखाया गया ये लेग है इसकी, जैसे अब आपको वेल्ड में दिखाया था, ये साइज ऑफ द वेल्ड है, तो ये इसकी जो ये
इसका अगर इसका ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, अगर यहां से ये, यहां से ये मतलब ये इसका ये था हाइपोटनियस है, ये मतलब ये हाइपोटनियस है ना ट्रायंगल का, तो इस पॉइंट से अगर यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल लें हम, तो जो इसकी लेंथ होगी ये वाली लेंथ, ये लेंथ इसकी थ्रोट थिकनेस कहलाएगी। तो ये थ्रोट थिकनेस है, ये डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द फ्यूजन फेसेस। ये दो फेसेस हैं, इनमें फ्यूजन होना है, एक ये लेगा एक ये लेगा, इनमें फ्यूजन होगा, तो इनका जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल डिसाइड करेगा कि हमारा जो ये थ्रोट थिकनेस ये कितनी होगी। तो जैसे दिखाया गया जो हमारा जो फ्यूजन फेसेस, अगर इनके एंगल बीच के, अगर इनके बीच में एंगल अगर 60-90 डिग्री है, तो इट्स वैल्यू थिकनेस 0.707, आमतौर पर उसको 0.7 मान लेते हैं। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू के एस, के इज ए कॉन्स्टेंट विच टेकन फ्रॉम दिस टेबल। ये एंगल ऑफ द फ्यूजन फेसेस, ये दो फ्यूजन फेसेस हैं, इनके बीच में जो एंगल होगा उसके हिसाब से हम ए की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तो आमतौर पर ये एंगल 60 से 90 के बीच में होता है, तो इसलिए इसको हमने आमतौर पर इसको मान ली इसकी वैल्यू 0.7। तो मोस्टली केस टेकन है 0.7। एस इज द साइज ऑफ द वेल, ये साइज ऑफ द वेल है, तो इसको हमने 0.7 से गुणा कर दिया। कभी भी जो न्यूमेरिकल हम करेंगे उसके अंदर हमें साइज ऑफ द वेल निकालना दिया है या नहीं दिया है, दिया है तो वेल एंड गुड वो ले लेंगे, नहीं दिया है तो जो आपको पीछे उसमें बताया गया था कि यहां से हम डिसाइड करेंगे मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा साइज ऑफ द वेल, और फिर वहां से डिसाइड करने के बाद फिर हम उसको साइज ऑफ द वेल हमारे पास आ जाएगा, तो उसको तुरंत हम कन्वर्ट कर लेंगे थ्रोट थिकनेस में, टी टी इफेक्टिव के एस 0.7 और एस साइज ऑफ द वेल। तो ये सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस 0.7, टी इसका मैक्सिमम हो सकता साइज, टी द थिकनेस ऑफ द प्लेट। लेकिन ये 0.7 ये वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, यहाँ पर टी दिया है लेकिन टी नहीं लेना है हमें, हमें लेना एस, थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए हमें एस लेना है, एस, एस इज द साइज ऑफ द वेल्ड, और साइज ऑफ द वेल्ड आपको दे रखा होगा, उसको 0.7 से गुणा करेंगे, दैट विल गिव यू द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो अब इसके अंदर हम ये चीज, दो चीज और छोटी छोटी है कि भाई जो वेल्ड होता है हमारा उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है। तो जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो जो ओवरऑल लेंथ है उसके अंदर से अगर हम दो साइज ऑफ द वेल्ड घटा दें, दैट विल गिव द इफेक्टिव लेंथ, उसमें प्रभावी लेंथ कितनी जो लोड ले रही है, ओवरऑल लेंथ माइनस में ट्वाइस द वेल्ड साइज, घट जाएगा उसमें से लेंथ हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ट्वाइस द वेल्ड साइज एस। तो उसको कंपनसेट करने के लिए कि हमारी जो इफेक्टिव लेंथ कम ना हो, अगर हम जैसे दिखा रखा है यहां पर कि अगर यहां यहां पर सीधा यहां तक वेल्ड करते तो हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है वो कम हो जाती, तो हमने इसको कम करने ताकि उतनी ही हमारी इतनी लेंथ है क्योंकि वो इफेक्टिव हो जाए, हम इसके अंदर थोड़ा सा इसके लेंथ को बढ़ा देते हैं ऐसे एंड पे, अगर एंड कर रखा हो तो इधर दे देंगे थोड़ा सा। तो जो हमने एडिशनल जो वेल्ड किया है इसको बोलते हैं एंड रिटर्न, एंड रिटर्न जो है इसकी वैल्यू एस के बराबर होती है, ट्वाइस द साइज ऑफ द वेल्ड 2s, तो 2s आपने एडिशनल कर दिया, तो जो यहां से आपने जो एडिशनल जो घटाया जो कम हुई थी हमारी वैल्यू जुड़ जाएगी, इसका मतलब हमारी इफेक्टिव लेंथ वही रह जाएगी जितना आपने वेल्ड किया है, दैट विल बी द इफेक्टिव लेंथ इफ वी हैव प्रोवाइडेड एंड रिटर्न्स। अगर हम एंड रिटर्न भी अगर किया है तो हमारी इफेक्टिव लेंथ वही रहेगी क्योंकि वो कम नहीं हुई क्योंकि आपने उतना वेल्ड एडिशनल कर दिया। अब आपको इसकी स्ट्रेंथ निकालनी फिलेट वेल्ड की, तो उसी तरह से वही तरीका है इसके अंदर, क्योंकि जो ये फिलेट वेल्ड होता है इसके अंदर आती है शीयर स्ट्रेस। इंपॉर्टेंट बात यह है नोट करने की कि जो उसके अंदर जब आपने बट वेल्ड किया तो उसमें डायरेक्ट स्ट्रेस लगती है, एक्सिस पे लगती है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि जो ये लोड लगता है, ये हमारा जो फिलेट वेल्ड है इसके अंदर जो लोड होता है वो उस वेल्ड को शीयर करने की कोशिश करता है, इट ट्राइज टू शीयर इट, तो इसलिए इसके अंदर शीयरिंग स्ट्रेस पैदा होती है। तो इसलिए इसके अंदर जो फॉर्मूला भी हमारा डिफरेंट है स्ट्रेंथ निकालने का, उसके अंदर हमने एफ वाई का इस्तेमाल किया था, इसके अंदर यूज कर रहे हैं एफ यू, एफ यू अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड और पेरेंट मेटल, अल्टीमेट स्ट्रेस जैसे मान लिया एफ 410। तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर एफ यू लेंगे हम एफ 410, तो एफ यू की वैल्यू विल बी टेकन एज 410। सबसे ध्यान करने वाली बात यह है एफ यू इज 410 एंड द वेल्ड विल बी इन स्ट्रेस, इन शीयर स्ट्रेस,
इसीलिए इसको हमने अंडर रूट थ्री से भी डिवाइड किया है। ये हमारा पूरा फार्मूला ये है, एफ यू डिवाइड बाई गामा एम डब्ल्यू इंटू अंडर रूट थ्री, ये पूरा एक ही फैक्टर, दोनों से गुणा करेंगे, एफ यू को डिवाइड करेंगे और इसको लेंथ ऑफ द वेल इंटू में थ्रोट थिकनेस से गुणा कर देंगे। तो पीछे पॉइंट में आपने थ्रोट थिकनेस पढ़ी थी, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, लेंथ ऑफ द वेल, जितनी भी हम वेल्थ कर रहे हैं इफेक्टिव लेंथ लेंगे इसके अंदर, और इसको ये जो दो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स हैं 1.25 फॉर शॉप वेल्डिंग, 1.5 फॉर फील्ड वेल्डिंग, फार्मूला वही है बेसिकली। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, उसमें एफ वाई लिया गया था, इसमें एफ यू लिया है, इसमें हमने एफ यू लिया है और इसके अंदर एक ये अनुरूप थ्री से भी डिवाइड किया गया है, एफ यू डिवाइडेड बाई गामा एम डब्ल्यू इंटू में अनुरूप थ्री। तो इस तरह जो छोटे छोटे फार्मूले हैं स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के, हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं फिलेट वेल्ड की, पिछले फार्मूले में बट वेल्ड की। तो अब हम अगर आपको कोई कहे कि भाई आपको डिजाइन करना है, एक वेल्ड डिजाइन करना है, तो वेल्ड डिजाइन करना बहुत आसान है। तो उसके चार छोटे छोटे स्टेप्स आपको बताए गए इनको डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द वेल्ड। साइज ऑफ द वेल्ड के लिए जब जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि वी हैव टू टेक द वैल्यू इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा, मिनिमम, तो वो आपको सारी टेबल्स में बताया गया था। थिकनेस ऑफ द वेल्ड, थिकनेस ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है, हमारी थिकनेस कितनी है प्लेट की, तो उसके हिसाब से हम मिनिमम और मैक्सिमम साइज को डिसाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास साइज ऑफ द वेल्ड आ जाएगा। साइज ऑफ द वेल्ड निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो वेल्ड होगा उस वो 1 mm अगर हम वेल्ड करें तो वो कितना लोड ले सकता है। बहुत सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास फार्मूला था, जो आपने फिलेट वेल्ड का भी फार्मूला पढ़ा था, तो उसके अगर लेंथ ऑफ द वेल्ड को अगर हम 1 mm कर दें तो हमारे पास 1 mm वेल्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी। 1 mm वेल्ड अगर हम करेंगे कितना वो लोड ले लेगा, तो वही फार्मूला एफ यू डिवाइड बाय गामा एम डब्ल्यू 203 डिवाइड बाय एल डब्ल्यू 1 इनटू में इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जैसे आपको यहां से आपने साइज ऑफ द वेल्ड पता लग गया तो उसको तुरंत हम थ्रोट थिकनेस में कन्वर्ट कर लेंगे बस, और ये वैल्यू निकाल देंगे, हमारे पास 1 mm वेल्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो बस अब हमें 1 mm वेल्ड की स्ट्रेंथ पता लग गई, टोटल लोड हमें पता भी जॉइंट पे कितना आना है, लोड से पर mm वेल्ड की स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव यू द टोटल लेंथ, आपको कितना वेल्ड करना है, हमारे पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड आ जाएगी, इतना हमें इफेक्टिव लेंथ करना है वेल्ड को। बाकी काम सिर्फ ये है कि उस वेल्ड को हमें अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि भी वेल्ड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, हम उसको एज ए साइड वेल्ड करें, साइड फिलेट वेल्ड करें, एंड फिलेट वेल्ड करें, स्लॉट में करें, ऐसे भी करें, मतलब उसको पूरा का पूरा उतना लेंथ हमारे वेल्ड की होनी चाहिए। उसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, जो ये साइड वेल्ड की लेंथ कितनी हो सकती है, एंड वेल्ड की लेंथ कितनी हो सकती है, उसके लिए देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए वी डिस्ट्रीब्यूट द लेंथ ऑफ द वेल्ड, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बस उसके अंदर पेट के हिसाब से। और कई बार अगर मान लिया अगर एंगल लगा हुआ हो तो एंगल के अंदर हमें एक बात और भी ध्यान रखनी पड़ती है कि जो एंगल की वजह से जो एसेंट्रिसिटी है वो उसकी या सीजी होती है एंगल की वो अलग अलग होती है, मतलब दैट इज नॉट एट द सेंटर, हम आधा आधा ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, तो उसमें फिर हमें जहाँ पर लोड ज्यादा आएगा एसेंट्रिसिटी के हिसाब से वहां पर हमें लेंथ ऑफ द वेल्ड बढ़ानी पड़ती है, जहाँ पर लोड कम होता है वहां पर कम करते हैं। तो आगे एक न्यूमेरिकल हम करेंगे इस बारे में कि हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द साइड जो वेल्ड हम कैलकुलेट करेंगे उसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो दोस्तों सारा का सारा ये थ्योरी पोर्शन था, अब हम दो तीन न्यूमेरिकल जो सिंपल अभी हमने जो किए हैं, जो ये थ्योरी पढ़ी है, मतलब जो फॉर्मूले ड्राइव किए गए हैं बट वेल्ड के, फिलेट वेल्ड के, तो उसको देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, सिंपल से न्यूमेरिकल हैं। उससे पहले एक छोटी चीज हो रही है कि हमारी थ्योरी में है स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड क्या होते हैं। स्लॉट वेल्ड का मतलब है स्लॉट वेल्ड यूज टू जॉइन टू टचिंग कॉम्पोनेट्स, दो कॉम्पोनेट्स हैं विच आर टचिंग बाय फीलिंग बाय ए फिलेट वेल्ड अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द स्लॉट इन वन कॉम्पोनेंट सो एज टू जॉइन इट टू द सर्फेस ऑफ द अदर कॉम्पोनेंट। जो ये सर्फेस है हमारा इसकी पेरिफेरी पे, ये पेरिफेरी नीचे नीचे हम इसके अंदर, मैं दिखा रहा हूँ आपको कर्सर यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर हम इसके अंदर फिलेट वेल्ड कर देते हैं नीचे वाले सर्फेस कॉम्पोनेंट को जोड़ते हुए। तो इस तरीके से ये जो हमारा जो वेल्ड हो जाएगा, such type of weld is called slot weld, by joining these two components
by surface of one another. Join components so as to join it to the surface of the other component. इसके surface को इससे जोड़ना है, इसके periphery पे आपने नीचे की तरफ आपने weld कर दिया, क्योंकि slot के अंदर किया है, cut के अंदर किया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं slot weld. और plug weld का मतलब आपने ये दो छोटे छोटे plug बना दिए, hole बना दिए. It is the weld made by filling the hole of one part with the filler material metal so as to join it to the surface of the touching part. ये जो नीचे वाला जो है इसका touching part से join करते हुए exposed through the hole. इसके जो hole के through जो नीचे वाला जो metal plate है वहाँ इसकी इतना surface exposed हो गया, उसको आपने इसके साथ join कर दिया, पूरे पूरे hole को भर दिया, plug कर दिया. जैसे आपने इसको plug कर दिया तो इसलिए इसका नाम भी हमने रख दिया प्लग वेल्ड. तो ये प्लग करने से पूरा पूरा होल भर दिया तो प्लग वेल्ड हो गया. साइड में पेरिफेरी पे अगर आपने वेल्ड किया पूरा उसको भरा नहीं है तो इसको बोलते हैं स्लॉट वेल्ड. तो सिंपल सी प्रॉब्लम है कि टू प्लेट्स हमारी, इनको हमने ज्वाइन किया बट वेल्डिंग, तो वो कितना स्ट्रेंथ होगा कि अगर हमारा जो ज्वाइंट है इफ इट इज पार्शियली पेनिट्रेटेड and if it is fully penetrated, मतलब fully penetrated मतलब पूरा का पूरा W double V कोई भी हो सकता है, और partially penetrated single U single V कोई भी हो सकता है. हमें सिर्फ ये निकालना है कितना लोड वो ले सकते हो. सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, साइज ऑफ द वेल्ड में लेंथ ऑफ द वेल्ड, ये दो जो प्लेट्स हैं 220 220 की, इनमें से मिनिमम थिकनेस ले लेंगे 12 mm, थिकनेस 12 mm ले ली तो partially penetrated है. तो हमने क्या किया, थ्रोट थिकनेस निकालने के लिए इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस 5/8 से गुणा कर दिया, हमारा जो इफेक्टिव थ्रोट इसमें 7.5 आ गई. ये फॉर्मूला ही है सिर्फ एल डब्ल्यू टी ई इंटू में एफ वाई डिवाइडेड बाई गामा एम डब्ल्यू. तो अगर इसमें देखा हो हमें कि मुझे ज्वाइंट जो लगाया गया है हमारे पास वो फील ज्वाइंट है या क्या नाम है वर्कशॉप में लगाया है, तो जो भी हमारे पास हो उसके हिसाब से हम उसकी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर उसको हम ले लेंगे. तो जैसे हमारे पास इसके अंदर हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिया है 1.25, तो आपने क्या किया गुणा कर दिया, हमारे पास स्ट्रेंथ आ गई. अब अगर हमारा फुली पेनिट्रेटेड हो तो जो थिकनेस होता है थिनर प्लेट होगी, तो थिनर प्लेट 12 एमएम की है तो हमारे पास इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस 12 एमएम हो जाएगी. लेंथ ऑफ द वेल्ड 12, बाकी है वाई एफ वाई, हमने इसको गुणा कर दिया तो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड आ गई. सिंपल गुणा करना आपने बस, और कुछ नहीं करना है. नेक्स्ट, फाइंड द सेफ लोड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय फिलेट वेल्ड जॉइनिंग बाय टू पार्ट्स. अभी फिलेट वेल्ड आ गया. टोटल सेंथ टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड इज 275 mm इनटू 2 विद The total length of the weld is 275 mm with 2 into 100 mm along and 75 mm at the right angle to the direction of the plant. Size of the weld is 8 mm. Are they rakha hai, grade of the steel is 410 or weld is done at site. The field weld hai. The field weld ke liye factor of safety 1.5 le lenge. Sab cheeze wahi hai. Effective length, effective throat thickness 0.7s. Length of the weld आपको दे रखा 275 mm. स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड एल डब्ल्यू टी ई एफ यू डिवाइड बाई रूट 3 गामा एम डब्ल्यू. तो इसके अंदर हमने ये गामा एम डब्ल्यू की वैल्यू साइड वेल्डिंग 1.5 सभी को गुणा कर दिया, सीधी हमारे पास आ गई स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड. अब इसकी रेसिपी क्या है, प्लस ब्रिज गार्ड ऑफ अ ब्रिज मेंबर इज शोन इन द फिगर. इसे लेंथ में गसेट फिल्ड बाय फिलेट वेल्ड जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड द साइज ऑफ द वेल्ड इज 6 mm, S is equal to 6, 8 Fu410, partial safety factor 1.25. तो इसके अंदर आपको length of the weld calculate करना, भी कितना आपने weld किया, 200, 200, 200, तो 600 mm हमारा weld हो गया. तो हमने ये weld कर दिया, size of the weld से effective throat thickness निकाल देंगे, safety factor हमें पता है, सीधा formula में put करते हैं. Total length of the weld 600 mm, effective throat thickness 0.7 into 6, 5.6 strength of the weld. सीधा formula put करना है, हमारे पास strength of the weld आ जाएगा. तो बहुत simple सा formula है, इसी लिए formula आपको याद रखना है. हम length strength of the weld calculate कर सकते हैं, चाहे fillet हो चाहे
बट फ्रेंड। अब हमें डिजाइन करना है, तो जो अभी आपको बताया था कि डिजाइन करने के लिए हमें साइज ऑफ द वेल दे रखा हो नहीं दे रखा हो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 8 mm की प्लेट दे रखी है, एक एंगल है 80 mm टू 50 mm इंटू 8 mm, इसको जोड़ना है हमें थ्री साइड्स पे। वेक्टर डिजाइन लोड दे रखा हमें 227.27 किलोन्यूटन, इस पे लोड लगा है। तो ये FB आपने दे दिया 410, साइट वेल्ड 1.5, टोटल लेंथ, टोटल वेल्ड। अब आपको वेल्ड करना टोटल, क्योंकि ये जैसे एंगल लगा हुआ है, तो ध्यान करने वाली बात है कि जो एंगल लगेगा हमारे पास, तो एंगल जो है ये उसकी सीधी नीचे की तरफ होगी। तो इस एंगल की स्टील टेबल से आपको ये भी देखनी है कि भाई इसकी सीजी कहां पर लाई करती है, इसकी सीजी का डिस्टेंस भी आपने नोट करना है। तो इसके अंदर सिर्फ वही चीज करनी है आपको, आपने लेंथ ऑफ द वेल्ड कैलकुलेट करना है कितना हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड आएगा। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, ये हमारे पास स्ट्रेंथ डिजाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। तो हमें इसके अंदर आपको क्या करना है, डिजाइन स्ट्रेंथ 6 mm वेल्ड पर mm लेंथ, 1 mm लेंथ हमारा, 1 mm वेल्ड कितना लोड ले सकता है, ये हम निकाल दिया। तो हमने जैसे इसके अंदर जो थ्रोट थिकनेस थी वो 0.76 mm मान ली साइज ऑफ द वेल्ड, और वो जो जो था प्लेट का 8 mm साइज था, तो उससे हमने मानते हुए मान लिया इसकी जो साइज ऑफ द वेल्ड है 6 mm। 0.7 × 6 = 4.2 हमारे पास थ्रोट थिकनेस आ गई, 1 mm वेल्ड हमारा इतना लोड ले सकता है, ठीक है जी। तो इतना लोड ले सकता है 1 mm वेल्ड, इतना लोड लगा हुआ है 222.27 × 10⁻³ न्यूटन बन गए, इतना लोड हमारा लग सकता है इसके ऊपर। तो ये टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड हमें करनी है, इतनी वेल्ड हमें करनी है। तो इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसको सीधा सीधा एल भी ले सकते हैं, पहले एल निकाल लेंगे तो कितना लेंथ ऑफ द वेल्ड चाहिए, इसको हम डिवाइड कर देंगे लेंथ स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड पर एमएम से हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। अब जो टोटल लेंथ आ जाएगी इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 पार्ट्स, यहां पर करना है, यहां पर करना है और यहां पर करना है। तो ये हमें पता है 80 mm है, एंगल का साइज था 80 mm, तो ये हमें पता है यहां तो हमें करनी है, बाकी ये बच गया अननोन। ये इसको हमने कह दिया, इसको कह दिया LW1, इसको कह दिया LW2, क्योंकि इसकी सीजी नीचे की तरफ है। अगर ये सीधी फ्लैट प्लेट होती तो आधा इधर करते आधा इधर करते, लेकिन क्योंकि उसकी सीजी नीचे की तरफ है तो यहाँ पर हमारा वेल्ड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर लोड कम है। तो हमने इसको L1 L2 में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास टोटल L1 L2 है 256। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया, अब इसका इन लेंथ ऑफ द वेल्ड का मूवमेंट ले लिया, हमने इसके टॉप के अबाउट मूवमेंट ले लिया। तो मूवमेंट लेने का ये इसका यही मूवमेंट इसीलिए लिए हमने ताकि इनमें से एक वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी L1 L2 में से। तो उस तरीके से फिर वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वेल्ड, ये L2 इसके हमने इसके अबाउट मूवमेंट लिया, तो इसका इसके अबाउट मूवमेंट जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड पर mm, 1 mm इतना वेल्ड ले सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड लोड। अब आपको पता है मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, ये फोर्स है हमारे पास पर mm, इतना फोर्स दे सकती है 80 mm लेंथ है वेल्ड की, तो इतना लोड लग गया इसके ऊपर, इसकी यहां से सीजी का डिस्टेंस, इसकी सीजी पे एक्ट करेगा ये लोड, तो इसके यहां से डिस्टेंस 80, इसका 80 का हाफ आता, ये हमारे पास एक ये मूवमेंट आ गया। अब हमने इसका मूवमेंट लेना है जो नीचे वाला LW1, तो इस LW1 मान लो इसकी लेंथ है, LW1 इसकी लेंथ है, तो इसके ऊपर लोड लगा 662.79 पर mm, तो टोटल लोड हो गया, इतना लोड लगेगा। अब इसका यहां से डिस्टेंस, ये इसका ये फोर्स बन गई, ये डिस्टेंस, ये हमारे पास ये इसका मूवमेंट हो गया। तो अब हमने ये जो फोर्स लगी थी इस पे, यहाँ पर ये फोर्स लगी हुई है इस एंगल पे, ये फोर्स लगी है, इसका अब हमने इसका मूवमेंट ले लिया इसकी सीजी के अबाउट मूवमेंट, तो क्योंकि फोर्स सीजी पे लगेगी, तो इसकी सीजी के यहाँ से डिस्टेंस, तो इसकी सीजी के यहाँ से डिस्टेंस है 27.3 नीचे से, टोटल 80 है, तो मैंने यहाँ से नीचे 27.3 था, तो ऊपर जो बच गया डिस्टेंस कितना बच गया, 80 - 27.3, तो इसके अबाउट इसका मूवमेंट ले लिया फोर्स इंटू में डिस्टेंस। इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक अननोन बच गया हमारे पास LW1, तो हमने क्या किया
एल डब्ल्यू वन की वैल्यू निकाल दी, ये गलती से एक इसके अंदर रह गई, एक हमारी इसके अंदर एक स्लाइड रह गई है, तो कोई बात नहीं, इसके अंदर बस ये हमारे पास एल डब्ल्यू वन की वैल्यू आ जाएगी। टोटल हमें पता है एल डब्ल्यू वन प्लस एल डब्ल्यू टू इज इक्वल टू 256। एल डब्ल्यू वन की हमारे पास वैल्यू आ गई, तो 256 में से एल डब्ल्यू वन घटा देंगे तो हमारे पास एल डब्ल्यू टू की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वेल्ड, हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि भाई जो आपने टोटल लेंथ कैलकुलेट की उसको हमने टोटल एंगल पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तीन साइड में हमने इस तरीके से टोटल वेल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वही सिंपल स्टेप्स हैं, पहले निकालना है आपको साइज ऑफ द वेल्ड, ये आपने मान लिया साइज ऑफ द वेल्ड जो था 6 mm था, टोटल थिकनेस निकाल दी, स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड पर mm कैलकुलेट कर दिया, इतनी हमारे पास वेल्ड, इतना टोटल वेल्ड आ गया, इतना इस वेल्ड को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसमें थोड़ा सा टिपिकल सिस्टम हमें अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि ये जो एंगल था, एंगल के अंदर जो, क्योंकि इसको बराबर बराबर चारों तरफ दोनों तरफ नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी सीजी एंगल की नीचे की तरफ होती है, तो इसलिए नीचे लोड ज्यादा आएगा, तो इस वजह से यहाँ पर इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर आज हमने कवर किया है, ये हमारा चैप्टर जो था जिसमें बोल्ट के बारे में भी डिस्कस किया और वेल्ड के बारे में भी डिस्कस किया। तो जो बोल्ट जो हमारे सिलेबस में बहुत से थे उसका इंट्रोडक्शन है, और बाकी जो वेल्ड जो है, बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड, इन दोनों के बारे में हमने अच्छे डिटेल्स में डिस्कस किया है। दो छोटे छोटे फार्मूले हैं, वो फार्मूले बस यही आपको याद करने हैं फार्मूले, और फार्मूले से बाकी हम इसके अंदर जो न्यूमेरिकल हैं यही यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा सारा का सारा लेसन, और आपको ये अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।